देश में एक दिन में 34,884 नए केस, अब तक 10,38,000 से ज्यादा लोग संक्रमित। भारत में 24 घंटे में कोरोना से 671 लोगों की मौत, अब तक 26,273 लोग वायरस के शिकार। 10 राज्यों में कोरोना के करीब 85% एक्टिव केस। देश में 3,58,000 से ज्यादा लोगों का इलाज जारी। देश में कोरोना से रिकवर होने वालों की संख्या बढ़ी, 6,53,000 से ज्यादा लोगों ने दी कोरोना को मात। देश में आज 3,61,000 से ज्यादा टेस्ट, 17 जुलाई तक 1,34,00,000 से ज्यादा सैंपल की टेस्टिंग। दिल्ली में कोरोना के 1,475 नए केस, 24 घंटे में 26 मौत। मरीजों की संख्या 1,21,582 हुई। दिल्ली में कोरोना मरीजों के ठीक होने का आंकड़ा 1,00,000 के पार। फिलहाल 16,711 एक्टिव केस। दिल्ली में आज 6,426 स्वाब और 15,412 एंटीजन टेस्ट किए गए, अब तक 7,98,000 से ज्यादा टेस्ट। दिल्ली के शिवपुरी में जिम के अंदर एक्सरसाइज करते मिले 11 लोग, पुलिस ने केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू की। दिल्ली के बाद महाराष्ट्र में सेरो सर्वे शुरू, राज्यभर में चल रहा है सर्वे का काम। सर्वे में कम्युनिटी स्प्रेड का पता लगाएगी सरकार। महाराष्ट्र में एक दिन में 8,308 पॉजिटिव केस मिले, मरीजों की संख्या 2,92,000 के पार। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 258 मरीजों की मौत, सिर्फ मुंबई में 62 लोगों ने तोड़ा दम। मुंबई में एक दिन में कोरोना के 1,214 नए केस, संक्रमितों की संख्या 99,000 के पार। मुंबई के जी नॉर्थ वार्ड में 44 नए केस, आज धारावी और माहिम में 6, जबकि दादर में 32 नए मरीज मिले। महाराष्ट्र में जेलों में बढ़ा कोरोना केस, अब तक 642 कैदी पॉजिटिव, जेल के 206 स्टाफ भी संक्रमित। नानावटी अस्पताल में अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन की तबीयत अब एकदम ठीक, दोनों का होगा दूसरा टेस्ट। 21 जुलाई को होगा बच्चन फैमिली का दूसरा टेस्ट, ऐश्वर्या आराध्या का भी दूसरा टेस्ट पहले टेस्ट के 10 दिनों बाद होगा। नानावटी अस्पताल में ऐश्वर्या आराध्या की हालत स्थिर, डॉक्टर अंसारी की निगरानी में दोनों का इलाज जारी। एक्ट्रेस रेखा पर बीएमसी का बयान, कहा रेखा से संपर्क में है बीएमसी के अधिकारी, किसी लक्षण के दिखने पर टेस्ट कराने का भरोसा दिया। मुंबई के चैंबूर में सरकार की तैयारियों की खुली पोल, बेड के अभाव में 47 साल की महिला ने तोड़ा दम। मुंबई के एक अस्पताल में शिवसेना नेता नितिन नांदगांवकर का हंगामा, ऑटो चालक कोरोना मरीज की मौत के बाद अस्पताल ने दिया था 8,25,000 का बिल। मध्यप्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या 21,000 के पार, 24 घंटे में कोरोना के 704 नए पॉजिटिव केस, 9 लोगों की मौत। भोपाल में कोरोना संक्रमित डीएसपी की मौत, पुलिस मुख्यालय की सीआईडी में पद पर थे डीएसपी गौतम। उज्जैन के महाकाल मंदिर में एमपी के बाहर से आए भक्तों के लिए नो एंट्री, बढ़ते कोरोना के कारण फैसला। छत्तीसगढ़ में पब्लिक प्लेस में थूकने पर लगेगा 100 से 1,000 रुपए तक का फाइन, होम क्वारंटीन और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने पर भी देना होगा जुर्माना। छत्तीसगढ़ में कोरोना को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने की बैठक, राज्य में टेस्टिंग डबल करने पर हुआ फैसला। गुजरात में कोरोना का नया रिकॉर्ड, 24 घंटे में 949 संक्रमित, 17 लोगों की मौत। राजस्थान में आज 184 नए पॉजिटिव केस, 4 की मौत। राज्य में कोरोना की चपेट में 27,973 लोग। राजस्थान में कोरोना से अब तक 550 लोगों की मौत, राज्य में 6,737 एक्टिव केस। हिमाचल प्रदेश में 1,430 लोग संक्रमित, अब तक 9 लोगों की मौत। राज्य में 1,021 मरीज ठीक हुए। देहरादून में पिछले 3 दिनों में आर्मी के करीब 100 जवान कोरोना पॉजिटिव, अब तक 110 जवान संक्रमित। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में 3 सुपर स्प्रेडर ने फैलाया कोरोना, एक डोमेस्टिक वर्कर से 49 लोग हुए संक्रमित। पहले की तरह ही होगा कुंभ 2021 का आयोजन, उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने दी जानकारी। पंजाब में 24 घंटे में कोरोना के 350 नए मामले, 7 लोगों की मौत। गुरुग्राम से अच्छी खबर, नए कोरोना केस की तुलना में आज ज्यादा लोग ठीक हुए, 111 नए केस, 150 पेशेंट रिकवर। गुरुग्राम में 24 घंटे में 2 कोरोना मरीजों की मौत हुई, अब तक 114 लोगों की गई जान। गुरुग्राम में कोरोना के कुल 7,594 मामले, 6,468 लोग डिस्चार्ज, 1,012 एक्टिव केस। गाजियाबाद में 2 होटलों को बनाया गया कोविड सेंटर, 24 घंटे मौजूद रहेंगे डॉक्टर। उत्तर प्रदेश में 24 घंटे में 1,986 लोगों को कोरोना हुआ, राज्य में 17,264 बीमारों का चल रहा इलाज। अब तक उत्तर प्रदेश में 28,664 पेशेंट्स ने कोरोना को मात दी, 1,108 लोग कोरोना के शिकार। लखनऊ की केजीएमयू में टेस्टिंग के लिए आए सैंपल में 247 पॉजिटिव, कल जांच के लिए 5,156 सैंपल लिए गए थे। वाराणसी में आज कोरोना के 51 नए पॉजिटिव केस, संक्रमितों की संख्या बढ़कर हुई 1,169। वाराणसी में अब तक 513 मरीज हो चुके हैं स्वस्थ, आज सुबह 11 बजे जारी हुआ कोरोना बुलेटिन। उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री कमला रानी कोरोना पॉजिटिव, कोरोना के लक्षण के बाद कल किया गया था सैंपलिंग। कोरोना काल में बेरोजगारों की योगी सरकार ने फिर से की मदद, नवीन रोजगार और दीनदयाल योजना के लाभार्थियों के खाते में डाले पैसे। प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण पर काबू पाने के दावों पर खड़े किए सवाल, कहा जिले में 1,000% तक आया उछाल। प्रियंका गांधी ने कहा 25 जिलों में तेजी से बढ़ा संक्रमण, 3 जिलों में 200%, 3 जिलों में 400% कोरोना के मामले बढ़े। बिहार में एक दिन में 739 लोग संक्रमित, पॉजिटिव केस की संख्या 24,967 हुई। बिहार के एमएलसी खालिद अनवर कोरोना से संक्रमित, फिलहाल पटना में होम क्वारंटीन में है। बिहार में बढ़ते कोरोना मामलों के बीच सरकार की बदइंतजामी, पटना में टेस्टिंग सेंटर में भटक रहे हैं लोग। पटना में 25 स्वास्थ्य केंद्र पर रैपिड एंटीजन टेस्ट शुरू, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने ट्वीट कर दी जानकारी। कोरोना के लक्षण वाले करा सकते हैं एंटीजन टेस्ट, सर्दी खांसी बुखार और सांस लेने में तकलीफ होने पर कराएं जांच।
बिहार में कोरोना टेस्टिंग को लेकर आरजेडी ने खड़े किए सवाल। तेजस्वी यादव ने कहा देश में सबसे कम बिहार में किए जा रहे हैं टेस्ट। तेजस्वी यादव ने केंद्र सरकार से की अपील, कहा कोरोना के हालात का जायजा लेने के लिए भेजी गई 3 सदस्यों की टीम। पटना में कोरोना वॉरियर्स को 2 महीने से नहीं मिली सैलरी, सड़क पर उतनी नाराज नर्सिंग स्टाफ, राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी। झारखंड में अब तक 5,110 कोरोना मरीजों की पुष्टि, 46 लोगों की हो चुकी है मौत। राज्य में अभी 2,487 एक्टिव केस। पश्चिम बंगाल में एक दिन में सबसे अधिक 1,894 नए केस, 26 लोगों की मौत। मरीजों का ग्राफ 38,000 के पार। पश्चिम बंगाल के चीफ सेक्रेटरी का बयान, राज्य में फिलहाल नहीं बढ़ेगा लॉकडाउन लेकिन कंटेनमेंट जोन में सख्ती बढ़ेगी। जलपाईगुड़ी के बेलाकोबा में ग्रामीणों का प्रदर्शन, कई लोग बिना मास्क के दिखे, सोशल डिस्टेंसिंग का भी उल्लंघन। ओडिशा में एक दिन में 591 नए पॉजिटिव केस, संक्रमितों की संख्या 16,701 हुई। ओडिशा में आज कोरोना से 3 मरीजों की मौत, राज्य में 86 लोगों की गई जान। ओडिशा में पीडीएस दुकानों पर बायोमेट्रिक स्कैन जरूरी नहीं, बिना फिंगरप्रिंट दिए भी आधार कार्ड से लिया जा सकता है अनाज। आंध्र प्रदेश में 24 घंटे में 52 मौत, 3,963 नए मामले सामने आए, कुल 44,609 कोरोना मरीज, अब तक 586 लोगों की जान गई। तेलंगाना में कोरोना का जारी है कहर, कोरोना मीटर 41,018 पहुंचा, 396 मरीजों ने तोड़ा दम। केरल में 593 नए पॉजिटिव केस, कोरोना मीटर 11,659 पर पहुंचा। केरल के सीएम का बड़ा खुलासा, कहा राजधानी तिरुवनंतपुरम के 2 इलाकों में कोरोना का हुआ कम्युनिटी स्प्रेड, लगेगा लॉकडाउन। तिरुवनंतपुरम में 18 से 28 जुलाई तक कंप्लीट लॉकडाउन, कोस्टल इलाके में 3 क्रिटिकल कंटेनमेंट जोन बनाए गए। तमिलनाडु में एक दिन में 4,807 नए मामले, कोरोना ग्राफ 1,65,000 के पार। तमिलनाडु में 24 घंटे में 88 लोगों की मौत, अब तक 2,403 लोगों ने दम तोड़ा। कर्नाटक में एक दिन में 3,693 नए केस, 115 की मौत, अब तक 1,147 लोगों की गई जान। बेंगलुरु में बढ़ते कोरोना के बीच बीबीएमपी कमिश्नर अनिल कुमार का ट्रांसफर पब्लिक एंटरप्राइजेस डिपार्टमेंट में भेजे गए। पुडुचेरी में एक दिन में कोरोना के 58 नए पॉजिटिव केस, अब तक 28 मरीजों की मौत। असम में अब तक 20,640 लोग पॉजिटिव, वायरस में 51 लोगों को बनाया अपना शिकार। अरुणाचल प्रदेश में 66 नए कोरोना केस के साथ संक्रमितों का आंकड़ा 609 हुआ, 421 एक्टिव मामले। दुनिया भर में 24 घंटे में 61,000 से ज्यादा लोग संक्रमित, कुल आंकड़ा 1,45,00,000 के पार। दुनिया में अब तक 6 लाख से ज्यादा लोगों ने गंवाई जान, आज 1,919 मरीजों की मौत। दुनिया में 85 लाख से ज्यादा लोगों ने कोरोना को हराया, 51 लाख से ज्यादा एक्टिव केस। अमेरिका का कोरोना मीटर 37,72,000 के पार, मरने वालों का आंकड़ा 1,42,092 हुआ। अमेरिका में 17,41,000 से ज्यादा लोग ठीक हुए, 18,88,000 एक्टिव केस। रूस में कोरोना ग्राफ 7,65,000 के पार, अब तक 12,247 लोगों ने तोड़ा दम। मेक्सिको में एक दिन में 736 लोगों की मौत, आज 7,257 लोग कोरोना की चपेट में आए। ब्राजील में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 78,000 के करीब, 20,49,000 से ज्यादा लोग संक्रमित। ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में कई महीने बाद बीच पर नजर आए लोग सैंडी बीच पर फुटबॉल खेलते दिखे। स्पेन में 3 लाख से ज्यादा कोरोना पेशेंट्स, 28,420 मरीजों की गई जान। ब्रिटेन में 2,94,000 लोग कोरोना पॉजिटिव, अब तक 45,233 लोगों की मौत। ब्रिटेन की महारानी ने कैप्टन टॉम मूर को किया नाइटहुड से सम्मानित, 100 साल की उम्र में कोरोना इलाज के लिए कैप्टन ने जुटाए हैं 3.2 करोड़ पाउंड। इटली में कोरोना से 35,000 से ज्यादा की मौत, संक्रमितों की संख्या 2,43,000 के पार। फ्रांस में 1,74,000 से ज्यादा संक्रमण, जानलेवा वायरस ने 30,152 लोगों की ली जान। जर्मनी में कोरोना संक्रमण से 9,000 से ज्यादा मौत, अब तक 2 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित। ऑस्ट्रेलिया में 20 मिनट में किया जा रहा है कोरोना टेस्ट, ऑस्ट्रेलिया विश्वविद्यालय ने खोजा नया तरीका, हर घंटे 700 सैंपल की जांच। अर्जेंटीना में लॉकडाउन में दी गई ढील, आज से 2 अगस्त तक छूट। चीन में 24 घंटे में 22 नए पॉजिटिव केस, कोरोना मीटर 83,644 पर पहुंचा। पाकिस्तान में एक दिन में 1,917 पॉजिटिव केस, 49 लोगों ने तोड़ा दम, संक्रमितों की संख्या 2,61,000 के पार। बांग्लादेश में कोरोना से संक्रमितों का आंकड़ा 2 लाख के पार, 2,581 की मौत। यूजीसी के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची युवा सेना, कहा लास्ट ईयर की परीक्षा लेकर स्टूडेंट्स की जान जोखिम में डाल रहा है यूजीसी। आदित्य ठाकरे के कहने पर युवा सेना ने दायर की याचिका, कोर्ट से राज्य पर परीक्षा लेने का फैसला छोड़ने की अपील। इंदौर में कोरोना विस्फोट के बावजूद बेखौफ है लोग, बीजेपी के जनसंपर्क अभियान में घोड़े पर सवार होकर कार्यक्रम में पहुंचे सांसद। कोरोना काल में चुनाव प्रचार के सवाल पर चुनाव आयोग ने पार्टियों से मांगी सलाह, 31 जुलाई तक मांगे सुझाव। देशभर के 755 विश्वविद्यालयों ने यूजीसी को सौंपी रिपोर्ट, 194 यूनिवर्सिटी पहले ही करा चुकी है परीक्षा। कोरोना के कारण आईआईटी एडमिशन के नियमों में बदलाव, इस साल 75% मार्क्स की अनिवार्यता।